करने जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान को इंडिया की दुश्मनी महंगी पड़ने वाली है आगे, कि अभी फिर से ग्रे लिस्ट पर यूएस और इंडिया दोनों मिलकर पाकिस्तान को डालने वाले हैं? टेररिज्म, जो टेररिस्ट है उनको जमीनें देके रखी हैं, क्यों? क्योंकि लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जो कि यूएन की टारगेट लिस्ट पे हैं, यानी कि जो उनकी लाइन पे है कि ये टेररिज्म। और अगर हम लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें तो ये दोनों पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। स्टेटमेंट्स जारी की जाती हैं कि आजाद कश्मीर को हम लेके रहेंगे। जिस तरीके से आजाद कश्मीर की सिचुएशन है, ना मैंने वहां से आज तक कोई लड़की जर्नलिस्ट देखी है, ना मैंने वहां से आज तक कोई लड़की पॉलिटिशियन देखी है। तो मतलब ये चीजें साफ साफ प्रूफ करती हैं कि मिलिटेंटों से, मुजाहिदीन से ना सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि पाकिस्तान को भी खतरा है। अगर कल तक हमारे और आपके रिलेशंस ठीक हो जाते हैं, सब कुछ पीसफुल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जिहाद फैलाने वाले यही लोग होंगे। ये पाकिस्तान में कैसे ईद मनाई जा रही होगी, घरों से निकलने दिया जा रहा होगा या नहीं दिया जा रहा होगा, जिस तरीके से वहां पर हालात थे, 200 लोग 2000 लोगों को रोड से अरेस्ट किया, एक्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर गोली चलाई, चाइना आप किसके सहारे पे जी रहे हो? एक ऐसी कंट्री जो खुद कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है, आप उसके सहारे पे जी रहे हो। और आप बात करते हो आजाद कश्मीर, हमारा ये आप बात करते हो हमारा जम्मू कश्मीर छीनने की, कौन सा जम्मू कश्मीर? वो आप लोगों का कभी था ही नहीं। आर्टिकल 370 हटाया है तब से कश्मीरियों पे जुल्म है, ऐसा कुछ नहीं है, जुल्म है ही नहीं, ना पहले था ना आज था। हिंदू मुस्लिम हमारे देश मीटिंग हुई थी, नरेंद्र मोदी जो विजिट करने गए थे अमेरिका की, उस विजिट के बाद अभी FATF के आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान को इंडिया की दुश्मनी महंगी पड़ने वाली है आगे, कि अभी फिर से ग्रे लिस्ट पर यूएस और इंडिया दोनों मिलकर पाकिस्तान को डालने वाले हैं, इस तरह की कोई प्लानिंग चल रही है, तो इसके बारे में आप कैसे इस चीज को डिफाइन करेंगी? देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताती हूँ ताकि ऑडियंस को जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। तो वहां पर एक स्टेटमेंट जारी की गई जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए, और उस स्टेटमेंट में लगभग 48 पैराग्राफ्स थे, कुछ इन्वेस्टमेंट को लेकर के, कुछ क्लाइमेट को लेकर के, कुछ हेल्थ को लेकर के, कुछ डेवलपमेंट को लेकर के। तो उसमें जो एक पैराग्राफ था वो टेररिज्म को लेकर के था कि जो भी हो टेररिज्म खत्म होना चाहिए। तो पैराग्राफ 32 था जिसमें ग्लोबल टेररिस्ट को मतलब टारगेट किया गया था, जिसमें पाकिस्तान को ये बोला गया कि आप कि जो वहां पर जमीन है, ऐसा ना हो कि आप अपनी जो जमीन है वो टेररिज्म को दे रहे हो या सपोर्ट कर रहे हो। तो उस चीज से वहां पर उनको टारगेट किया, डायरेक्टली टारगेट नहीं किया। उसके बाद हमें क्या देखने को मिला कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, किसके खिलाफ? जिनके जो ये स्टेटमेंट यूनाइटेड नेशन में जारी की गई, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जारी की, तो वो एक अलग चीज है। आप उस चीज को देखो मत, ना आप ये देखो कि पूरी स्टेटमेंट में क्या लिखा है, आप वो पूरी स्टेटमेंट पढ़ो। बोला कि पाकिस्तान को मतलब ये बोला गया कि इन्होंने कहीं ना कहीं टेररिज्म, जो टेररिस्ट है उनको जमीनें देके रखी हैं, क्यों? क्योंकि लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जो कि यूएन की टारगेट लिस्ट पे है, यानी कि जो उनकी लाइन पे है कि ये टेररिज्म। और अगर हम लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें तो ये दोनों पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। इतनी सारी स्टेटमेंट्स में ये बात कही है कि लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जो है वो पाकिस्तान के हैं। तो वहां पर यूएन ने इनको अंडरलाइन किया था कि ये उसके बाद और भी बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी। फिर मैं आपको बोलूंगी कि FATF जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग होता है, या हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियली आप टेररिस्ट को जो है पैसे देते हो, तो उस पे इन्होंने रोक लगाई है। और ये कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा अक्टूबर 2022 में, मतलब 22 में आप लोगों को FTA से निकाल दिया गया था, और वो आप लोगों के लिए एक अहम चीज भी थी, एक खुशी भी थी कि हम लोग पहले FTA में थे, लेकिन अब हमें 2022 में इस चीज को हमें बोल दिया कि नहीं अब बिल्कुल सही है। लेकिन आफ्टर दैट आप देखिए कि 2023 में आपके जो वहां पर एक मिलिटेंट है सैयद सलाहुद्दीन मिलिटेंट है एक, जिन्होंने पब्लिक अपेयरेंस करी, उन्होंने कश्मीर को लेकर के वहां बात करी, क्योंकि ऑलरेडी कश्मीर में उन्होंने बहुत से आतंक किए हैं। सेकेंडली जब 2012 में एक आर्टिकल है, 2012 में जब आर्टिकल पे उन पे सवाल पूछा गया कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों मिल जाएं और दोनों में भाईचारा हो जाए तो क्या अब तब भी आपका वही स्टेटमेंट रहेगा, तो उन्होंने वहां पर एक चीज कही थी, ये आप उनकी स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, 2012 की है। उन्होंने कहा था कि फिर जंग बहरूनी मुल्क के साथ नहीं होगी, फिर जंग पाकिस्तान में ही होगी। तो
साफ साफ प्रूफ करती है कि मिलिटेंटों से, मुजाहिदीन से ना सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि पाकिस्तान को भी खतरा है। अगर कल तक हम हमारे और आपके रिलेशंस ठीक हो जाते हैं, सब कुछ पीसफुल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जिहाद फैलाने वाले यही लोग होंगे। इस तरीके से जो है बंद किया गया है। साथ ही मैं आपको बोलूंगी कि इस टाइम जो है वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, यूक्रेन और रशिया, आपने तो सुना होगा। तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी डिजास्टर्स हैं, या हम बात करेंगे जो के प्रेसिडेंट है एफएटीएफ के, आर टी राजा कुमार, सॉरी मैं उनका नाम भूल गई, टी राजा कुमार उनका नाम है। तो उन्होंने, उनके हाथ में जब ये चीजें सारी चीजें सौंपी, तो वहां पर सबसे पहले रशिया का नाम था और पाकिस्तान का भी नाम था। तो कहीं ना कहीं रशिया के चांसेस तो हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पे वो अपने तरीके से स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद जो स्टेटमेंट निकल के आएगी वो सामने आएगी। लेकिन जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि इसको बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि आप खुद देखिए कि स्टेटमेंट में 2023 में जब आपका लोगों के साथ आपके देश के बड़े बड़े मिलिटेंट्स मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, भाई कश्मीर तुम लोग निकाह में नहीं मिला है तुम लोग को, कश्मीर तुम, किसने बोला कि कश्मीर तुम्हारा है, हु टोल्ड यू, कश्मीर अपनी जगह पर सेफ है, सिक्योर है, अच्छे से रह रहे हैं। तो जो आप ये कश्मीर 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 करके इशू बना रहे हो और लोगों का माइंड वॉश कर रहे हो, तो उस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो। सेकेंडली मैं बात करूंगी रशिया की, तो रशिया और यूक्रेन के वार जिस तरीके से चला है, तो रशिया को एफएटीएफ से मुझे लगता है कि उसको उसमें रख दिया जाएगा, और पाकिस्तान के अंदर जो है इस पे कार्रवाई की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अगर उन्हें लगा कि हाँ पाकिस्तान में ऐसा चल रहा है, आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर जो मिलिटेंसी को पैसा जाता है वो कहीं ना कहीं दे रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, तो इस चीज पर रोक लगा दी जाएगी। हालांकि ऐसा अभी कोई कह नहीं सकते, क्लियर नहीं है, बट मैं अपनी तरफ से बोलूंगी तो मेरे को पूरा शक है कि ऐसा होगा और फिर से आप लोगों पे लगाया जाएगा। क्योंकि जब भी देखो हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये इतने नाम हम लोग के कश्मीरियों के दिमाग में रट चुके हैं। इवन जो पांच पांच साल साल छह छह साल के बच्चे होते हैं, वो भी बड़े ही फकर से कहते हैं हाँ हिजबुल मुजाहिदीन, यस जो भी है अपना लश्कर ए तैयबा। तो ये नाम जो है इनको पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। एक पीस और एक शांति जो है वो दोनों कंट्रीज में होनी चाहिए, ताकि हमारे फर्दर रिलेशंस ठीक हो चुके। पाकिस्तान, इंडिया, इंडिया तो डेवलप ही है पहले से ही, तो कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान ये जो उनसे मिसकंसेप्शन है, ये किस तरह से क्लेरिफिकेशन की तरफ जाएगी? सी, पहले तो मैं आपको बोल दूं कि जो कश्मीर है हमारा, जो जम्मू कश्मीर है, वो आयोग के नहीं है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं है, हम लोग हिंदुस्तानी है, वी आर कश्मीरी इंडियंस, ठीक है। अच्छा। तो हम लोग इस चीज को बड़े ही बारीकी से और साफ साफ अपनी हर स्टेटमेंट में कहते हैं। और आपने कहा कि 1947 के बाद जो मसला है ही नहीं, ये मसला नहीं है, जो कश्मीर है वो मसला नहीं है। आप लोग के पास जो आजाद कश्मीर है आप उसको संभालो, अगर नहीं संभालता तो वो भी हमें दे दो, क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं हमारे देश से भी स्टेटमेंट्स जारी की जाती हैं कि आजाद कश्मीर को हम लेके रहेंगे। जिस तरीके से आजाद कश्मीर की सिचुएशन है, ना मैंने वहां से आज तक कोई लड़की जर्नलिस्ट देखी है, ना मैंने वहां से आज तक कोई लड़की पॉलिटिशियन देखी है। ये एक बहुत बड़ा, आपको भी पता होगा, आप तो माशाल्लाह पाकिस्तान से हैं, आपको तो ये चीज पूरी क्लियर होगी। तो आप देखो कि वहां पर औरतों के साथ क्या किया जा रहा है, और ये लोग बात कर रहे हैं कश्मीर में, भाई आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है, आपके सामने बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें आजादी है, आजादी है। आप लोग जो आजादी की बात करते हो, आप पहले उनको दो जो आजाद कश्मीर में रह रहे हैं। दूसरी आपने बात कही कि मसला किस तरीके से सॉर्ट आउट होगा, तो ये मसला नहीं है। एक होती है दुश्मनी, एक होती है, मैं दुश्मनी भी नहीं कहूंगी, मैं आपको एक कंसेप्ट बताती हूँ। भाई होते हैं ना, दो भाई, उनको आपस में लड़ाई होती रहती है, क्यों? क्योंकि एक भाई बड़ा है, दूसरा भाई छोटा है, एक भाई के पास ज्यादा है, दूसरे भाई के पास कम है, तो वो छोटा भाई सोचता है कि क्यों ना मैं भी इसकी बराबरी करूं। तो बराबरी करने के लिए आपको उस लायक बनना पड़ेगा, आपको अपने इंटरनेशनली जो रिलेशंस हैं वो ठीक करने पड़ेंगे।